नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में 12वीं के लिए करीब 1400 टीचर्स के लिए जल्द निकलेगी वैकेंसी। झारखंड के 125 हाई स्कूल को प्लस टू में अपग्रेड करने के बाद शिक्षकों की जल्द वैकेंसी निकलेगी। एक स्कूल में 11 शिक्षकों का पद सृजित होगा। सभी स्कूलों के लिए कुल 1375 शिक्षकों के पद होंगे। पद सृजित होने का तक हाई स्कूल के शिक्षक क्लास लेंगे। स्कूलों में आवश्यकता अनुरूप शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की बात कही है। रांची विश्वविद्यालय में हुआ 35वां दीक्षांत समारोह, 79 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल, 90 को मिली पीएचडी की उपाधि। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह 4 फरवरी को आर्यभट्ट सभागार में हुआ। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने पीसी पर इसकी जानकारी दी। इस दौरान कुल 24372 डिग्रियां दी जाएंगी। दीक्षांत समारोह में पीएचडी धारी 106 स्टूडेंट को डिग्री दी गई। अनुभव दत्ता ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रांची यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और मुझे गोल्ड मेडल उपाधि प्रदान की गई। बीएड डिग्री में गोल्ड मेडल उपाधि प्राप्त दीपिका ने बताया कि बहुत खुशी हुई है, आज मेरी मेहनत रंग लाई। वही नागपुरी भाषा में गोल्ड मेडल उपाधि प्राप्त हुआ है, भाषा हमारी संस्कृति है। झारखंड में 5 रुपये में बिकता है आपका डाटा, समझिए साइबर अपराधी कैसे खेलते हैं डेटा का खेल। साइबर अपराध में डेटा का खेल सबसे अहम होता है और इसे लेकर साइबर अपराधी भी मोटी रकम खर्च करते हैं। इस बात का खुलासा सीआईडी के साइबर सेल ने किया है। वहीं इस अनुसंधान में ये बातें भी सामने आई है कि झारखंड में ज़्यादातर डेटा बंगाल से आता है। डेटा कलेक्शन के लिए साइबर अपराधियों की एक अलग टीम काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ डेटा का संग्रह करती है, जिसके बाद डेटा कलेक्शन के साथ ही शुरू होता है साइबर ठगी का वो खेल, जिससे न सिर्फ आम लोग बल्कि सुपरस्टार भी फंस जाते हैं। क्योंकि उंगलियों और आवाज़ की जादूगरी के इस खेल में न कोई आम होता है और न कोई खास। झारखंड हाई कोर्ट ने एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड में फैसला सुरक्षित रखा। दुमका कोर्ट से 2 नक्सलियों को मिली है फांसी की सजा। झारखंड हाई कोर्ट में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार के हत्यारों की याचिका पर सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये देखने का काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि झारखंड हाई कोर्ट क्या फैसला होगा। हाई कोर्ट दोनों दोषियों की सजा बरकरार रखता है या फिर उन्हें राहत मिलती है। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। एसपी अमरजीत बलिहार के हत्यारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दुमका कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला न्यायसंगत नहीं है और बिना पुख्ता सबूतों के आधार पर उन्हें फांसी की सजा दी गई है। प्रयागराज में ब्लॉक के कारण यूपी बिहार और झारखंड से गुजरने वाली 13 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई गाड़ियों के मार्ग बदले। उत्तर मध्य रेलवे के नैनी और प्रयागराज छिवकी के बीच तीसरी लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 13 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों को मार्ग बदले गए हैं। इनमें ज़्यादातर ट्रेनें यूपी बिहार और झारखंड से गुजरने या शुरू होने वाली है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार के अनुसार कुछ ट्रेनों को आंशिक बदलाव के साथ चलाया जाएगा। झारखंड में 12 से 14 साल तक के 23 लाख किशोरों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, जाने कब से शुरू होगा टीकाकरण। झारखंड में 12 से 14 साल तक के किशोरों को कोरोना का टीका देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसके लिए करीब 23 लाख किशोरों को चिन्हित किया गया है। टीका देने की प्रक्रिया 15 से 18 साल की तरह ही रहेगी। स्कूल और टीका केंद्रों का अलग से टीका देने की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्र के कुछ स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल को सेंटर बनाया जाएगा, जहां किशोरों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू होना है। भारत माता परियोजना से चतरा को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान,
69 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। चतरा को पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भारतमाला परियोजना से मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत जिले के 69 गांव आएंगे। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला जिले के 4 प्रखंडों से होकर गुजरेगी, जिसमें चतरा सदर प्रखंड के 29, हंटरगंज के 24, सिमरिया के 11 और पत्थलगड्ढा प्रखंड के 5 गांव शामिल है। इन गांवों के सत्यापन की रिपोर्ट मांगी गई है। जिला भू अर्जन कार्यालय में गांव का सत्यापन करने के लिए संबंधित अंचल कार्यालय को पत्र भेजा है। स्कूल खुलने पर नो सोशल डिस्टेंसिंग, जानिए नई गाइडलाइन। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे चाहे तो बच्चों के अभिभावकों से सहमति पत्र ले या ना ले। मूसाबनी में मनरेगा योजनाओं में कई माह से नहीं हो रहा है भुगतान, मजदूर काम करने को नहीं है तैयार। प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी ने शुक्रवार को मनरेगा योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में ग्राम रोजगार सेवकों ने बताया कि मनरेगा योजना में मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं और कार्यस्थल पर जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। मजदूरों का कहना है कि 3-4 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, ऐसे में पहले ही मजदूरी मिले बिना काम नहीं करेंगे। समस्याओं को सुनने के बाद वीडियो ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को उच्च स्तर पर पत्राचार करके समाधान करने का निर्देश दिया है, जिसके अलावा आवास एवं दीदी बाड़ी योजना में डिमांड डालने का निर्देश ग्राम रोजगार सेवकों को दिया गया है। अगले 3 दिनों में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोल्ड डे व घने कोहरे की आशंका सूची जारी। IMD ने अगले 2 दिनों में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की आशंका जताई गई है। वहीं अगले 3 दिनों में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रात्रि से सुबह के दौरान अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की आशंका जताई गई है। अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने तवांग में फहराया देश में दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को तवांग के बुद्ध पार्क में 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय ध्वज समर्पित करते हुए गर्व हो रहा है। बकौल खांडू, 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग शहर को देखने वाला यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज ऊंचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए UP की झांकी को मिला राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड। सरकार ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। यूपी की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। कर्नाटक की झांकी दूसरे जबकि मेघालय की झांकी तीसरे स्थान पर रही। MP CM शिवराज ने कहे, MP के होशंगाबाद को नर्मदापुरम, बाबई को माखन नागर के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर करने के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, नर्मदा जयंती के शुभ दिन से होशंगाबाद को नर्मदापुरम कहा जाएगा। जन आकांक्षाओं के अनुरूप इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली में 7 फरवरी से दोबारा खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। रात्रि कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा घटाई गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल 9वीं से 12वीं तक, कॉलेज, कोचिंग संस्थान के जिम और 7 फरवरी से दोबारा खोलने का फैसला किया है। बकौल सिसोदिया, रात्रि कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कम कर दी गई है और दफ्तर 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। राजस्थान में 5 फरवरी यानी आज से रात्रि कर्फ्यू खत्म, श्रद्धालुओं के लिए खोले जा सकेंगे धार्मिक स्थल। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर बताया कि राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू 5 फरवरी आज से खत्म कर दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक शादी समारोह समेत किसी भी सार्वजनिक समारोह में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं राज्य में सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं या दर्शनार्थियों के लिए खोले जा सकेंगे। राहुल गांधी ने रायपुर में रखी छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रायपुर में एक स्मारक का शिलान्यास किया, जिसमें अमर जवान ज्योति की तर्ज पर एक ज्योति होगी।
इस ज्योति को छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाएगा। गौरवतल है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय हुआ था। पुष्पा से प्रेरित होकर बेंगलुरु के शख्स ने की लाल चंदन की तस्करी की कोशिश, हुआ गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रक में 2.45 करोड़ कीमत के लाल चंदन की तस्करी की कोशिश करने वाले बेंगलुरु के यासीन नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर फिल्म पुष्पा से प्रेरित होकर यासीन ने ट्रक में चंदन लादकर उसके ऊपर फल सब्जी के डिब्बे डाल दिए थे। यासीन ने ट्रक पर कोविड-19 आवश्यक उत्पादों का स्टिकर भी चिपकाया था। MP की राजधानी भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग। नाम बदलने की सियासत का सिलसिला अब राजधानियों तक पहुंच गया है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम बदलने की चर्चा जोरों पर है। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की मांग की है। बता दें, हाल ही में शिवराज सरकार ने हबीबगंज स्टेशन का नाम कमलापति, होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम करने का फैसला किया है। राहुल गांधी की बड़ी घोषणा, हर गरीब के खाते में आएंगे 72,000 रुपये। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल गोवा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां राहुल ने कई बड़े चुनावी वादे किए। उन्होंने कहा कि हम गोवा के लोगों के लिए न्याय स्कीम लाएंगे। इसके तहत हम हर महीने 6,000 रुपये गोवा के सबसे गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डालेंगे, यानी कि एक साल में 72,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।